आप सब लोग जानना चाहेंगे कि ये रेसिपी किस तरह से बनती है, तो चलिए चलते हैं डिटेल की जानिब कि इस रेसिपी को कैसे बनाना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सैम। जैसे कि मैं आप लोगों के साथ रमज़ान स्पेशल सीरीज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो इसी सिलसिले में आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने जो है 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ के पोटैटोज़ लिए थे, उनको कद्दूकश कर लिया था। ग्रीन प्याज लिया है मैंने, इसके साथ ही मैंने टमाटर के स्लाइसिस और मोजरेला चीज़ लिया है। इनको मैं किस तरह से यूज़ करूँगी आप लोगों को आगे बताती हूँ। यहाँ पे जो आलू मैंने कद्दूकश किए थे, अच्छी तरह से हाथों से इस तरह से दबाकर इसका पानी जो है अच्छे से हमने एक्सेस वाटर जो है निकाल देना है। आवाज़ के लिए माजरत है क्योंकि मेरा गला ख़राब है। तो इसके साथ ही अब जो इसमें चीज़ें चाहिए मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जाती हूँ। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था और इसको इस तरह से बारीक काट के मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसके साथ ही हमने इसमें एक अदद अंडा भी डाल देना है। अंडा जो है वो इसके लिए बाइंडिंग का काम करेगा। 1 टीस्पून नमक डालना है, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालना है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ हम इतनी मज़े की रेसिपी ये तैयार कर सकते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है। इसको अच्छे तरीके से हम सारी चीज़ को मिक्स कर लेंगे। 3 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें मैदे के डाले थे, कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं हम, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी के ऊपर है। मैदा डालने के बाद इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब जब हम इसमें मैदा और ये अंडा सब से चीज़ें मिला देंगे, उसके बाद आपने इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ ही हमने जो है इसके कबाब की शेप में जो है इसको हल्के से फ्राई करते जाना है। इसको हमने छोड़ना नहीं है वरना ये पानी छोड़ना शुरू कर देगा हमेशा। ये देखिए जब हम इसको हाथ में लेंगे तो ये इस तरह से बाइंड होना चाहिए। अब यहाँ पर पैन में मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डाला था और चम्मच की मदद से हमने इस तरह से इसको शेप देते जाना है। 5 से 6 मिनट के लिए हमने स्लो फ्लेम पर इसको एक साइड से पकाना है और देन हमने इसकी साइड जो है वो चेंज करनी है। थंबनेल में और वीडियो के स्टार्ट में आप लोग देख ही चुके होंगे कि देखने में कितनी मुनफरिद सी लगती है और कितनी जो है वो दिलकश सी लगती है रेसिपी, खाने में भी उतनी लजीज और मज़ेदार होती है। आई एम श्योर आप लोगों ने ये रेसिपी पहले कम ही जो है ट्राई की होगी, तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे तो शौक से खाएंगे ही, बड़ों के लिए भी ये एक यूनिक चीज़ है। फ्लेम आपने स्लो ही रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना। अब 5 से 6 मिनट के बाद हमने जो है इसकी साइड चेंज करनी है ताकि एक साइड पे जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा, ये देखिए अच्छा सा इस पर सुनहरा सा कलर आ गया है, तो अब हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। आप यहाँ पे मैं मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो जड़े चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने जो है टमाटो का स्लाइस रख दिया है। अगेन जो है वो टमाटो स्लाइस के ऊपर हमने चीज़ डाल देनी है। फ्लेम आपने स्लो ही रखना है। इसके ऊपर जो है मैंने ग्रीन अनियन बारीक काट के जो है वो डाल दी थी, आप लोग चाहें तो धनिया भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही मैंने इस पे थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल किया था। अगर आप लोग नहीं करना चाहते ऑरिगेनो इसके ऊपर, नहीं डालना चाहते, तो कोई इश्यू नहीं है, ऑप्शनल है। साथ ही मैंने जो है वो रेड चिली फ्लेक्स इस पर थोड़ी सी इस तरह से ऊपर से डाल दी थी। अब मैंने 5 से 6 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर इसको कवर करके जो है रख दिया था ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए चीज़ जो है वो अच्छे से इसमें मेल्ट हो चुकी है और इसकी दूसरी साइड भी अच्छे से पक गई थी, तो मैंने इसको निकाल लिया था। और बाकी भी हमने इस तरह से बनाते जाने हैं, सेम प्रोसीजर हमने रिपीट करना है। बहुत ज़्यादा आई कैचिंग डिश है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जल्द मिलूंगी इसी तरह आप लोगों के साथ एक यूनिक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।